मथुरा की थाना छाता पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो शराब तस्करों समेत चंडीगढ़ मार्ग का 220 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए की बताई जा रही है। बता दें कि थाना छाता पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि एक कंटेनर कुर्सी कला की तरफ से मथुरा जाएगा, जिसमें अवैध शराब भरी हुई है, जिसके बाद पुलिस टीम चौकी दौताना के पास दिल्ली मथुरा रोड NH-19 पर बैरियर लगाकर चेकिंग करने लगी। इसी दौरान कुर्सी कला की तरफ से आ रही एक आयशर कैंटर को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, जिसे देख कैंटर चालक और उसका साथी ट्रक रोक कर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए दबोच लिया। वहीं सख्ती के साथ पूछताछ करने पर ट्रक में अवैध शराब होने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने कंटेनर के अंदर से कचरे के बोरों के साथ विभिन्न ब्रांड की 220 शराब की पेटियां भरी हुई बरामद की। पुलिस गिरफ्त में आए बिहार निवासी इन शराब तस्करों के नाम टोनी पासवान और सोनू कुमार हैं। थाना छाता टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए इंडियन मेड फॉरेन लिकर की 220 पेटी एक आयशर टैंकर के साथ बरामद की है, जिसमें कुल लगभग 1980 लीटर शराब पकड़ी गई। ये अलग अलग साइजेस में इनके बॉटल्स उसमें थे। ये चंडीगढ़ में सेल के लिए अधिकृत थी। ये स्मगल्ड करके हरियाणा से उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार होते हुए बंगाल जानी थी। दो अभियुक्त इसमें अभी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम टोनी पासवान और सोनू कुमार हैं। ये दोनों जनपद रोहतास बिहार के रहने वाले हैं। ट्रक का जो मालिक है संतलाल, उसका नाम इसमें प्रकाश में आया है, जिसने इस कंसाइनमेंट को इन कैरियर्स को सुपुर्द किया था। और एक नाम इसमें और विकास नाम के व्यक्ति का, जो बहादुरगढ़ का रहने वाला है, उसका नाम भी प्रकाश में आया है। ये दोनों लोग वांछित हुए हैं।